गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टार्ट द नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, जिसको मैंने कई बार बताया है, फिर एक बार मैं रिमाइंड कर दे रही हूँ। व्हाट इज इम्परेटिव? इम्परेटिव सेंटेंस, द इम्परेटिव सेंटेंस विच शोज द ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ये सजेशन, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इन दीज सेंटेंसेज सब्जेक्ट आर हिडन। हम क्या इम्परेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो सेंटेंस आदेश का, जो सेंटेंस प्रार्थना का, प्रे का, हमारे रिक्वेस्ट का, हमारी विनम्रता का, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, सुझाव का, इन सबों का भाव अगर देता है तो वो सेंटेंस आपका क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं? छिपे रहते हैं। सब्जेक्ट इनडायरेक्ट वे में शो होते हैं, डायरेक्टली शो नहीं होते हैं। जो सेंटेंस आदेश का, सुझाव का, विनम्रता का भाव झलकाता हो वो सेंटेंस आपका होता है इम्परेटिव सेंटेंस। एंड दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस सब्जेक्ट आर हिडन। और ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स आपके छुपे रहते हैं। फॉर एग्जांपल, सिट डाउन। नाउ इन दिस सेंटेंस द सेंटेंस स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द सब्जेक्ट इज हिडन। सिट डाउन मीन्स यू सिट डाउन एंड यू इज हिडन हियर। आपका यू जो सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या रहता है? छिपा रहता है। और सेंटेंस डायरेक्ट आपके वर्ब से शुरू होता है। प्लीज गिव मी दिस बुक। दिस सेंटेंस शो द फीलिंग ऑफ प्लीज, रिक्वेस्ट। एंड इन दिस सेंटेंस ऑल्सो द सब्जेक्ट यू इज योर हिडन, यू प्लीज गिव मी दिस बुक। तो ऐसे सेंटेंसेस आपके क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नाउ I start the narration of imperative sentence, how to make the direct to indirect in imperative sentences. For example, one example is here. The teacher said to me, sit down in your class, sit in your class and learn your lesson. ये sentence क्या show कर रहा है? The teacher said to me, teacher ने मुझसे कहा कि class में बैठ जाओ और अपना lesson याद करो। इसका मतलब ये teacher ने मुझे order दिया। ये sentence क्या show कर रहा है? Order show कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम आप इम्परेटिव बनाएंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का, तो सेंटेंस का जो भाव होता है वही उसी के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द sense of reported speech का जो भाव रहता है, जो सेंस रहता है, उसी के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। द टीचर सेड टू मी, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। द टीचर ऑर्डर्ड मी, यहाँ क्या सो रहा? ऑर्डर्ड सो रहा है टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। आपको पता है? और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो हम इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। तो टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। टीचर ने मुझे ऑर्डर दिया कि क्लास में बैठो और अपना पार्ट याद करो। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, ही सेड टू हिज फ्रेंड, वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। अब आप देखिए ये सेंटेंस क्या कर रहा है? उसने अपने मित्र से कहा कि टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत करो, तो ये एडवाइस दिया जा रहा है। यहाँ तो हो जाएगा ही एडवाइज हिज फ्रेंड, टू कंजंक्शन लगाया इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, टू वर्क हार्ड। यहाँ सब्जेक्ट चेंज करने का कोई मैटर नहीं क्योंकि सब्जेक्ट आपका छिपा है। टू वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द टीचर ऑर्डर टू सिट डाउन बॉयज, सॉरी यहाँ पे बॉयज पहले हो जाएगा। द टीचर सेड टू बॉयज सिट डाउन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द टीचर ऑर्डर बॉयज टू
sit down. The teacher ordered boys to sit down. Next is, the teacher said to the boy, do not abuse anyone. अब देखिए, do not abuse. यहाँ आपका क्या आ गया? Negative आ गया. Negative sentence है. उसका जब हम imperative में negative का कैसे बनाते हैं? ध्यान, दो तरीके से बनता है. पहला है, the teacher advised the boy not to abuse anyone. हम चुपचाप simple बनाएंगे, क्योंकि teacher एक advice भी दे रहा है बच्चों को कि तुम किसी को गाली मत दो. तो teacher advised the boy. Teacher advised the boy. Do को हटा देंगे. Not to, not के बाद हम क्या लगा देंगे? To abuse anyone. Clear? या हम ऐसे भी कर सकते हैं, the teacher forbid, क्या यूज कर रहा है वर्ड, ध्यान दीजिएगा, forbid, advice नहीं लगा के forbid लगा रहे हैं, forbid the boy to abuse anyone. अब यहाँ जब हम forbid लगाएंगे तो not का प्रयोग नहीं करेंगे, because forbid is also the negative word. Forbid क्या है? अपने आप में negative show कर रहा है, खुद negative word, निषेधात्मक अभाव शो कर रहा है. इसलिए जब हम फॉरवर्ड का यूज करते हैं तब हम नॉट नहीं लगाते. दो दो बार तो आप नॉट लगाएंगे नहीं. फॉरवर्ड खुद निगेटिव फीलिंग को शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे. द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू एब्यूज एनीवन. और जब हम इस तरीके से सिंपल वे में बनाएंगे द टीचर एडवाइज द बॉय, तब आप क्या लगाएंगे? नॉट टू एब्यूज एनीवन. जब फॉरवर्ड लगाएंगे तब हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट है, रूल है, रूल्स फॉर लेट इन इम्परेटिव सेंटेंस. ध्यान दीजिएगा, लेट के नियमों को हम इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, ये ध्यान दीजिए. हरी सेड टू मी, लेट अस प्ले ए मैच. ध्यान दीजिएगा, हरी सेड टू हिम, लेट अस प्ले ए मैच. हरी ने किससे कहा? हरी ने उससे कहा, यानी हरी किसी और से कहता है तो क्या कहता है? लेट अस प्ले ए मैच. ये हमेशा ध्यान दीजिए, हरी सेड टू मी, हरी सेड टू हिम, हरी ने किसी और से कहा. तो यहाँ पे जब हम लेटस प्रयोग यूज होता है तो हम जब लेटस को हटाते हैं, पहले हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे. ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कौन सा कंजंक्शन यूज होता है? दैट कंजंक्शन इज यूज. ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने दैट कंजंक्शन को प्रयोग किया. और हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करते हैं? प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में. रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू प्रपोज्ड और सजेस्टेड. यहाँ पे एक नोट में लिख लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड प्रपोज्ड और सजेस्टेड में हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं. आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज इनटू प्रपोज्ड और सजेस्टेड. जब भी लेटर्स के वाक्य बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रपोज या सजेस्टेड में चेंज करते हैं. एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे यहाँ है, हरी सेट टू हिम, लेटस प्ले ए मैच. तो हमने लिखा हरी प्रपोज्ड हिम. सेट या सेट टू को हमने रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर दिया? प्रपोज्ड में. हिम, दैट, दैट कंजंक्शन हमने पहले बताया, दैट यूज करते कंजंक्शन, दैट लगा दिया हमने. दे शुड प्ले ए मैच. अब ध्यान दीजिएगा, दो चीजें होती हैं, या तो हम दे शुड लगाते हैं या हम वी शुड लगाते हैं. अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि हम दे शुड कहाँ लगा रहे हैं और वी शुड कहाँ लगा रहे हैं. देखिए, हरी प्रपोज हिम दैट, लेट अस प्ले ए मैच है ना. हरी ने उससे कहा, यानी उसमें आप इन्वॉल्व नहीं है, दूसरा जो है वो तीसरे से कह रहा है. हरी किसी और से कह रहा है, लेकिन आप, मी यानी आई है, मी, हम इन्वॉल्व नहीं है उसमें. तब आप क्या करने लगाएंगे कि हरी ने सुझाव दिया कि वे लोग, उन लोगों को मैच खेलना चाहिए. तो दूसरे ने तीसरे से कहा, तब आप क्या लगाएंगे? दे का प्रयोग करेंगे. यहाँ पे क्या हो गया? हरी प्रपोज्ड him that they should play a match. हरी दूसरे ने तीसरे से कहा कि उसे मैच खेलना चाहिए. तो यहाँ पे आप इन्वॉल्व नहीं है, क्या ध्यान एकदम अच्छे से दीजिए कि आप इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हमने क्या लगाया? दे शुड लगाया. नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, मोहन सेड टू पी, लेट अस गो फॉर ए वॉक इन सच ए फाइन वेदर.
तो यहाँ पे आपने आप क्या लिख रहे हैं, पहले सेट टू को रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड में चेंज कर दिया या सजेस्टेड में भी कर सकते हैं. मोहन प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक इन सच ए फाइन वेदर. अब इसको प्रपोज में चेंज किया, फिर हमने यहाँ पे दैट कंजंक्शन लगाया. अब हम यहाँ पे वी शुड लगा रहे हैं. क्यों वी शुड लगा रहे हैं? क्योंकि मोहन ने मुझसे कहा, हम इन्वॉल्व हो गए. जब हम इन्वॉल्व हो गए यानी हम लोगों को वॉक पे इतने अच्छे वेदर में हम लोगों को वॉक पे जाना चाहिए. तो जहाँ आप खुद इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे आप वी शुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन दूसरा और तीसरा इन्वॉल्व होगा वहाँ पे आप दे शुड का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है यूज ऑफ लेट इन केस ऑफ रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट के सेंस में हम लेट का प्रयोग कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा. ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम. अब यहाँ पे लेटस नहीं है, जब लेटस रहेगा तब दे शुड और वी शुड करेंगे, लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पे लेटस नहीं है, यहाँ पे है ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम. यहाँ दूसरा और तीसरा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा He told his officer. क्या अगर आप लिखेंगे सॉरी ही लेट मी, उसने ऑफिसर से कहा कि मुझे घर जाने दीजिए. एक यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव झलक रहा है, झलक रहा है ना, एक रिक्वेस्ट का, एक विनम्रता का भाव झलक रहा है. तो आप यहाँ पे ये बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर. तब आप कंजक्शन यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, टू. क्या प्रयोग करेंगे, टू. टू लेट him go home, क्योंकि me है तो इसके अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे him हो जाएगा. requested his officer to let him go home. जब भी let के केस में letters ना हो और request का भाव झलकता है तो आप इस तरह के sentence बनाएंगे. कुछ और special condition है imperative sentence में जो मैं आपको कल बताऊंगी, और कल ही मैं आपको फिर पूरा होमवर्क दूंगी इंपरेटिव सेंटेंस का, ठीक है. और जो कल हमने होमवर्क दिया था उसको मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, ये आप देखिएगा. फर्स्ट है ही सेड टू अस आर यू गोइंग टू योर विलेज टुडे. तो यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड अस इफ वी वर, क्योंकि यू है तो अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट. वी वर गोइंग टू आवर विलेज, फिर योर है तो इसके अनुसार चेंज होगा दैट डे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. हरीश सेड टू विमला डिड यू नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे. हरीश आस्क्ड विमला इफ शी हैड नॉट गॉन टू दिल्ली द प्रीवियस डे. माय फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू मुंबई. माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई वुड गो टू मुंबई. सी सेड टू मी डज योर फादर डज योर मदर सेड रीड द रामायण डेली. सी आस्क्ड मी इफ माय मदर रेड द रामायण डेली. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम. द डॉक्टर सेड टू देम व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द पेशेंट. द डॉक्टर आस्क्ड देम व्हाई दे वर डिस्टर्बिंग द पेशेंट. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स why have you not completed your homework. The teacher asks the students why they had not completed their homework. Students है और you है, यहाँ you आपका second person है, object के अनुसार change होगा. Object में s लगा है, students हो गया यानी कई सारे, इसलिए हमने they का प्रयोग किया. The teacher said to the boy why are you making a noise. The teacher asks the boys why they were making a noise. Why could you not finish the work my son said the father. The father asked his son why he could not finish the work. He said to me how many of your friends are coming to dinner tonight. He asked me how many of my friends. क्योंकि how much और how many, whose के साथ उससे संबंधित noun आते हैं, इसलिए तुरंत my friend आ गया. How many of my friend were coming to dinner that night. अब आप ये ध्यान दीजिएगा, आज मैंने होमवर्क आप लोगों को नहीं दिया है. नरेशन को का जितना मैंने इंपरेटिव सेंटेंस का बताया है उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और जब कल कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछेंगे. एक दो और नोट है, कोई स्पेशल कुछ स्पेशल कंडीशंस है नरेशन के इंपरेटिव सेंटेंस में, उसे मैं कल बताऊँगी और समझाऊँगी. थैंक यू.